Hello everyone, in this video we will do multiple choice questions of data communication. So let us start with the first question. What protects the coaxial cable from noise? Coaxial cable noise से कैसे protect करता है अपने आप को? तो जो coaxial cable की outer covering होती है वो उसको noise से protection में help करती है, right? तो इसका answer क्या होगा? Outer conductor. ओके, नाउ ऑल ऑफ द पार्ट्स इन द कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर बाय सेंडिंग. कंप्यूटर्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, प्रोसेसर, माउस, ये एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ये एक दूसरे को कैसे सिग्नल्स सेंड करते हैं? ये डिजिटल फॉर्म में सिग्नल्स को सेंड करते हैं. ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स आपको पता है, डिसकॉन्टिन्यूस सिग्नल्स, राइट? ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमली यूजेस गाइडेड मीडिया. इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया को यूज़ करता है? गाइडेड मीडिया क्या होता है? वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं. ओके, तो सेल फोन क्या है? गाइडेड मीडिया यूज़ नहीं करता, वायरलेस है. ओके, तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, लोकल टेलीफोन सिस्टम, जो वायर से अटैच्ड होता है, वो गाइडेड मीडिया को यूज़ करता है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? वायरलेस है. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आपका वायरलेस है. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी. नाउ ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजली कैटेगराइज्ड एज. ट्रांसमिशन मीडिया हमारे दो टाइप्स के होते हैं, राइट? कौन कौन से होते हैं? आपके गाइडेड एंड अनगाइडेड. गाइडेड में क्या है? केबल्स का, वायर्स का यूज़ होता है. अनगाइडेड क्या होता है? आपका एयर के थ्रू, वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करता है. तो यहाँ पर हमारे ट्रांसमिशन मीडिया कैटेगराइज किए गए हैं टू टाइप्स में, राइट? गाइडेड एंड अनगाइडेड. ओके, अ डैश कनेक्शन प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस. अगर दो डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है, ओके, तो उस टाइप के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? उस टाइप के कनेक्शन को कहा जाता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, राइट? रूल्स दैट गवर्न अ कम्युनिकेशन एक्सचेंज आर, जहाँ पे इंटरनेट में डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, राइट? तो वो किसकी हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं? वो प्रोटोकॉल्स की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं. और प्रोटोकॉल्स क्या है? रूल्स हैं जो डिवाइसेस को फॉलो करना होता है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट? तो इसका आंसर है आपका प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स दैट गवर्न अ कम्युनिकेशन एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट. ओके, नाउ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन. जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कम्युनिकेशन होता है, आप कीबोर्ड पे डेटा टाइप करते हो, ओके, आप इनपुट देते हो कीबोर्ड की हेल्प से, राइट? वो डायरेक्टली कहाँ जाता है? प्रोसेसर के पास जाता है. तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सा कम्युनिकेशन है? वो आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है. कीबोर्ड से आपने टाइप किया, दिस इज़ योर कीबोर्ड, और वो डायरेक्टली प्रोसेसर के पास चला गया, राइट? तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वन वे हो रहा है, फ्रॉम कीबोर्ड टू द कंप्यूटर, राइट? सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन. टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसमिशन. अब देखो टेलीविजन में क्या होता है, सैटेलाइट के थ्रू आपके पास आपके टीवी पे क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन आ रहे हैं, ओके. तो यहाँ पे भी क्या है? ऐसा तो नहीं आप अपने टीवी से भी कुछ सैटेलाइट के पास सेंड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है, ओके. तो ये जो कनेक्शन है, राइट, या ट्रांसमिशन है, उसको वो किस टाइप का है? सिंप्लेक्स है, जहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रॉम सैटेलाइट टू द टेलीविजन, राइट? ओके, तो ओके, नाउ इन अ डैश कनेक्शन मोर देन टू डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक. ऐसा कनेक्शन जिसके अंदर एक से ज़्यादा डिवाइस सिंगल लिंक को शेयर करते हैं. मान लो ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, तो सेंडर डेटा सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है. इन द सेम वे आपका रिसीवर डेटा रिसीव भी कर रहा है, ओके, एंड सेंड भी कर रहा है, राइट? तो इस टाइप के कनेक्शन को आप क्या बोलोगे? इसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन. मल्टी पॉइंट कनेक्शन जहां पे दो डिवाइसेस क्या करते हैं? एक सिंगल लिंक को शेयर करते हैं, ओके. नाउ इन डैश ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस एट ऑल टाइम्स. ऐसा ट्रांसमिशन जिसके अंदर दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जिसके थ्रू, ठीक है, वो क्या करते हैं? इसको शेयर करते हैं ऑल द टाइम. तो ये किस टाइप का आपका ट्रांसमिशन है? ये हमारा फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है, जिसके अंदर डिवाइसेस डेटा सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, ओके. बोथ द डिवाइसेस शेयर द सिंगल चैनल, राइट, सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम, ओके. नो, डैश इज द प्रोटोकॉल सूट फॉर द करेंट इंटरनेट. जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करता है, राइट,
तो इंटरनेट का सबसे जो मेन प्रोटोकॉल है वो है TCP/IP, ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, फ्रॉम वन प्लेस टू द नेदर, राइट। एंड आईपी क्या करता है, डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है जिससे कि डेटा सही डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। तो इसका मेन प्रोटोकॉल क्या है इंटरनेट का, TCP/IP। नाउ वायरलेस ट्रांसमिशन कैन बी डन वाया, वायरलेस ट्रांसमिशन आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, रेडियो वेव्स वायरलेस है, माइक्रोवेव्स वायरलेस है, इंफ्रारेड भी आपका वायरलेस है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट है वो है डी, ऑल ऑफ द मेंशन, राइट। Now, the dash is the physical path by which a message travel from sender to the receiver. वो physical path जिसमें message travel करता है sender से receiver के पास, right? तो उसको क्या बोलोगे, उसको हम बोलते हैं transmission medium. Transmission medium के through message travel करता है from sender to the receiver. A dash is a set of devices connected by media links. एक सेट ऑफ डिवाइसेस है जिनको कनेक्ट किया गया है मीडिया लिंक्स के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पे हम उसको बोलेंगे नेटवर्क, ठीक है। अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय मीडिया लिंक्स। Which of the following is an example of Bluetooth? तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा Bluetooth का example है। तो Bluetooth क्या होता है, 10 meter की range में ये network create करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा personal area network। Bluetooth की help से हम एक छोटा सा network create कर सकते हैं within a 10 meter of distance. Which connection is necessary for a computer to join the internet? कंप्यूटर को इंटरनेट से ज्वाइन करने के लिए कौन सा कनेक्शन ज़रूरी होता है? तो यहाँ पे हमें चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके बदले में आप कुछ चार्ज देते हैं पर्टिकुलर कंपनी को, लाइक आपका वोडा हो गया, आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सारे क्या हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। Which of the following allows you to connect and log in to a remote computer? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल आपकी हेल्प करता है रिमोट कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर से जो आपके प्लेस पे नहीं है, कहीं दूसरे प्लेस पे है, राइट। ऐसे कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर कहेंगे आप, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से आप रिमोट कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर सकते हो, उसके अंदर लॉग इन कर सकते हो? तो ये है हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टेलनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप रिमोट कंप्यूटर के कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हो, राइट। अ डैश इज द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग, प्लांट और कैंपस और बिटवीन नियर बाय बिल्डिंग्स। ऐसा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो कहाँ स्टेब्लिश है, कुछ बिल्डिंग्स को मिला के बना है, ओके, या कैंपस विद इन अ कैंपस है, तो जो ये छोटा सा नेटवर्क क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। In which of the following switching method the message is divided into small packets? कौन से switching method में message को transmit करने से पहले छोटे छोटे packets में divide कर दिया जाता है? तो इसका answer है आपका packet switching. Packet switching में message को transmit करने से पहले जो complete message होता है उसको transmit करने से पहले छोटे छोटे parts में divide कर दिया जाता है, और इन parts को packet कहा जाता है। जितने भी packets होते हैं उनके ऊपर source एड्रेस होता है एज वेल एज डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मेथड्स क्रिएट अ पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स? ऐसा कौन सा स्विचिंग मेथड है जहाँ पे डिवाइसेस के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्रिएट कर दिया जाता है मैसेज को सेंड करने से पहले? तो ये है आपका सर्किट स्विचिंग। तो जो ये लिंक बनाया जाता है, कनेक्शन बनाया जाता है, इसको सर्किट कहा जाता है, राइट। मैसेज ट्रांसमिट करने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन किया जाता है जिसे सर्किट कहा जाता है। दैट्स व्हाई इस स्विचिंग मेथड को सर्किट स्विचिंग कहा जाता है, ओके। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।